कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर। अगर आपसे पूछे आप कहाँ रहते हैं तो आप क्या कहेंगे? राजा मंडी। और मैं आपसे पूछूं मोजे कहाँ रहते हैं? जूते में। तो मोजे और जूते में अंतर क्या है? मंदिर में मोजे पहन के जाना महान पाप का कारण है, साक्षात जूते पहन कर जाना। ये इतना अभिनय है जिनेन्द्र भगवान का, इसलिए तुम्हें पुण्य का बंध नहीं हो पा रहा। मंदिर जा तो रहे हो मगर पुण्य जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, क्योंकि तुम्हारी विनय में कमी है। विनय में कमी है तो ऐसा विनय पूर्वक जीवन जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन को अनेक प्रकार से उन्नति की ओर ले जाता है। और अगर जो विनय नहीं करता और दर्शन करता उसकी मुंड वंदना कहलाती। मुंडा है वो, बिना हाथ जोड़े मस्तक झुकाए बैठ करके पंचांग नमस्कार नहीं करता है और खड़े खड़े हाथ जोड़ता भी नहीं, कहीं तो यूं हाथ अकड़े रहते हैं, ऐसे भी देखे मैंने। तो ये मुंड वंदना है। मुंड जैसे मुंडा आदमी होते ना, चिक मुंडे की चाय गरम पीने वाला बेशरम, तो ऐसे ये मुंड वंदना कहलाती है। इसका कोई तथ्य नहीं होता और ये कायिक विनय नहीं कहलाती, यानी शरीर से भी उसने विनय नहीं की। अहंकारी घर में दादाजी बैठे हुए हैं और अहंकारी घर में घुसता चला जाता है और दादाजी से सामने कुर्सी पे बैठ जाता है। ये दादाजी का अपमान है, पिता का अपमान है, बड़ों का अपमान है, उसे ऊपर बैठना ही नहीं चाहिए। कायदा तो ये कहता है कि कुर्सी सोफा सेट होना ही नहीं चाहिए। ये भारतीय है ही नहीं, ये भारतीय भारत की व्यवस्था है ही नहीं, ये पाश्चात्य संस्कृति की व्यवस्था है। पाश्चात्य संस्कृति में कोई विनय नहीं होता, कोई व्यवस्था नहीं होती। एक अधूरा प्रसंग रह गया है प्रेमचंद मुंशी का, एक दिन विषय किया था हमने, वो पूरा नहीं हो पाया, अब स्मरण में आ गया कि आखिर एक संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय एक साहित्यकारों का एक कार्यक्रम हुआ, साहित्यकारों का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, बड़े बड़े शेक्सपियर जैसे उपन्यास लेखक कवि आदि सभी वहां उपस्थित हुए। और भारत के प्रेमचंद मुंशी उस समय बड़े ख्याति प्राप्त साहित्यकार थे, उनको उसकी अध्यक्षता करने के लिए निमंत्रण दिया गया। अब वो बड़े सिंपल साधारण रहा करते थे प्रेमचंद मुंशी। कार्यक्रम के आधा घंटे पहले प्रेमचंद मुंशी पहुंचे, जो उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, अध्यक्ष थे, उनके निर्देशन में सारा कार्य होना था और चौकीदारों ने उन्हें ही नहीं घुसने दिया। वो लौट करके चले गए। लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक नहीं आए, बहुत सारे लोग अंदर हैं। 15 मिनट के बाद वो फिर गए, फिर रोक दिया उन्हें। फिर उन्होंने कहा अच्छा क्या बात है, जब देखा वहां तो सारे लोग कोट सूट पहने हुए थे, टाई लगाए हुए थे और प्रेमचंद मुंशी तो हमारे भारती थे, वो धोती और कुर्ता पहने हुए थे। वो फिर एक धोबी की दुकान पर गए, ड्राई क्लीन की दुकान पर, और उससे फुल पैंट किराए पर लिया, कोट किराए पर लिया, शर्ट किराए पर ली, टाई किराए पर ली और पहन करके गए तो 500 लोग उनकी आगवानी पर हाथ हाथ मिलाया और उन्हें आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब, और बड़ा आसन दिया। सारा कार्यक्रम हुआ, फिर भोज हुआ, डाइनिंग टेबल लगी हुई थी भोज, क्योंकि विदेशी लोगों का बाहुल्य था। तो प्रेमचंद मुंशी ने पहले गुलाब जामुन उठाया और अपने कोट की ऊपर की जेब में मसल करके डाल दिया, फिर एक पुड़ी उठाई उसके टुकड़े करके एक जेब में डाल दिए, पैंट में डाल दिए। ऐसा उन्हें लोग कहे ओहो ज्यादा पढ़े लिखे हो गए तो दिमाग शायद खराब हो गया,
डिप्रेशन में आ गए, सकते में आ गए। दाल की कटोरी ली उन्होंने अपने एक दूसरे के कोट के जेब में डाल दी। स्वामी बड़े बड़े लेखक उपन्यासकार कहते हैं ये क्या हो रहा है सर, ये क्या कर रहे हैं आप। वो मुस्कुराते हैं प्रेमचंद जी, बोले इनको खिला रहा हूं, इन कपड़ों को, इन कपड़ों के बल पर ही मुझे अंदर आने मिला है। अगर ये कपड़े मुझे नहीं मिलते तो मैं अंदर नहीं आ सकता था। मैं तीसरी बार मैं अंदर आया हूं सर, मैं आधा घंटे पहले, क्योंकि मैं किसी भी कार्यक्रम के मैं बहुत पंचुअल हूं, जितने बजे कार्यक्रम होगा उसके मैं 5 मिनट पहले हर हालत में पहुंच जाता हूं। मगर आज मुझे बड़ा खेद है कि मैं 25 मिनट लेट आया हूं। हालांकि मैं अपने समय का पाबंद था, मैं आधा घंटे पहले इस स्थान पर आ चुका था, मगर तुम्हारे चौकीदारों ने मुझे आने नहीं दिया। क्यों सर? क्योंकि मैं अपनी भारतीय संस्कृति की वेशभूषा में आया था। मैं भारत का साहित्यकार हूं और एक साहित्यकार की हैसियत से साहित्यकार को कैसे रहना चाहिए वो मैं समझता हूं, इसलिए मैं आया था। मगर मैंने कहा तुम्हें भी एक चपत लगा करके जाऊंगा, तुम्हें भी दिखा दूंगा कि तुम जिसकी विनय करते हो उसकी मैं कोई इज्जत नहीं करता, मैं उसका अपमान करना चाहता हूं। तुम जिन कोट सूट को सम्मानित मानते हो मैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूं ये मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। तुम्हारे पास इंसान की कीमत नहीं है, तुम्हारे पास बाह्य वेशभूषा की कीमत है, बाहर की चकाचौंध की कीमत है। तुम इंसान के गुणों का विनय करना नहीं जानते, तुम उसके यश का विनय करना नहीं जानते, तुम उसके ज्ञान का विनय करना नहीं जानते, तुम उसके चारित्र का विनय करना नहीं जानते, तुम उसकी वाणी का विनय करना नहीं जानते, तुम उनकी मानसिकता का विनय करना नहीं जानते, केवल तुम ऊपर की चमक दमक पर विनय करते हो। ये तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा हानि का कारण है। आज यही हो रहा है। आज तलाक क्यों होते जा रहे हैं? आज 6-6 महीने के बाद तलाक हो जाते हैं। घरों में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने गुणों की पहचान नहीं की, हमने ऊपर की चमड़ी और दमड़ी देख करके पानी के बिना तय कर लिया, और जब उसके दुराचार हमारे सामने आए, जब उसका अहंकार हमारे सामने आया, तब हमारे घर में तलाक की स्थिति बन जाती है, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। या तो लड़के को नहीं देखा या लड़की को नहीं देखा, या दोनों के कुछ दुराचार ऐसे हैं कि 6-6 महीने 3-3 महीने में तलाक। इसी आगरा में कितने तलाक हो गए चल रहे, हमारे पास तो 2-4-10 केस आ ही जाते हैं। महाराज जी समझाओ क्या दशा है बंधुओं? हम गुणों का विनय करना नहीं जानते, हम गुणों की पहचान नहीं जानते, केवल मात्र एक ऊपर का वातावरण देखकर। ये तो विनाश कारण है। कैसा भी आदमी छुपड़ के आ जाएगा तो उसकी असलियत की पहचान तुम नहीं कर पाओगे। क्या तरीके थे पहले, बेटी और बेटे को देखने के तरीके थे पहले बंधुओं? आजकल तो फोटोएं दिखा देते हैं और वो चुपड़ी चुपड़ाई समझते हो ना वही भाषा, उसकी फोटो और ओरिजिनल में कितना अंतर होता है। सामने जिसे हम देखें और फोटो में देखें, मैं जब प्रतियोगिता का सामान तय करता हूं तो हमें वो मोबाइल पे बच्चे दिखाएंगे, महाराज जी ये देखो एक नई चीज आई बहुत अच्छी रहेगी अपन को बांटने में। हम देखते तो हैं मगर कहते हैं मजा नहीं आ रहा, सामने लाओ दिखाओ, ओरिजिनल दिखाओ मुझे सामने, तब मैं देखूंगा और मुझे जमेगा तो मैं मंगवाऊंगा। मोबाइल पे देखी हुई चीज में कभी नहीं बुलवाता। और तुम कितने बेवकूफ हो, ना समझ हो, मोबाइल में देखी हुई लड़की या मोबाइल में देखा हुआ लड़का अपने घर में बुला लेते हो, लड़की को बुला लेते हो, और वो तुम्हें लूट करके भी भाग जाती है, तुम्हारे घर में नरक बना करके चली जाती है, सुसाइड कर लेती है, क्या क्या अत्याचार करती है। कहां गई बहू बन के आई थी, वो डायन बन के जा रही है। तुम बेटी बना करके लाई थी और हत्यारण बन के भेज रही हो। क्या है बंधु? विनय का अभाव, विवेक का अभाव और ज्ञान का अभाव।
कैसे तो मिल जाए, कैसी भी मिल जाए चलेगी, लंगड़ी लूली कानी बहरी कैसे ही लगेगी, क्यों 35 का हो गया, मिल जाए। जब पहले अच्छे रिश्ते आते थे, अभी नहीं, अभी हमारा बेटा अभी जॉब कर रहा है, अभी बाद में, अभी कोई विचार नहीं है करने का। हाँ तो फिर यूजलेस मिलेगी सेकंड हैंड। अब मिल जाए महाराज, कैसे ही मिल जाए मिल जाए, किसी भी मिल जाए, बस पीले हाथ करो पीले हाथ बस, और कुछ नहीं चाहते महाराज जी, एक बार बेटा के हमारे जीते जी पीले हाथ हो जाए। तो पहले नहीं आए इसके रिश्ते, आए तो थे महाराज जी, मगर उस समय पढ़ तो रहा, जॉब तो कर रहा था, अगर सोच रहे थे और बड़ी मिल जाए तो बड़े घर में शादी हो जाएगी, तो ये तो भिखारी की लड़की है, अब उससे ही करा दो करा दो। अरे इसके बाप तो दारू पीता है और ये लड़की भी हुक्का पीती है, हाँ चलेगी, तुम तो करवा दो। तो ये तलाक दे के चली जाएगी तो फिर नहीं नहीं हम संभाल लेंगे, हम उसके पैर पड़ लेंगे, हम उसे नहीं जाने देंगे। इतनी विनय कर लोगी तुम? हाँ बेटा तू कम से कम को मिल तो जाएगी भाई। कैसे हम विवेकहीन हो जाते हैं, हर चीज समय पर बहुत अच्छी लगती है और बेसमय पे करने पर बेवकूफ या बेवकूफन मिलती है। समझ रहे हैं ना, जहां समझ में नहीं आए तो ये उंगली कर देना, हम उसको और डिटेल बताने का प्रयास करेंगे। वैसे मैं बहुत सांकेतिक चीजों संकेत में माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तो हमें जब जो निर्णय करना है तो ठोस निर्णय करें जीवन में, और ऐसा निर्णय करें कि हमारी अंतर आत्मा में आनंद आना चाहिए, परिवार में आनंद आना चाहिए, माता पिता को आनंद आना चाहिए और सारे लोग आनंद से भर करके उस कार्य में सहयोग दें, वही एक जीवन का आनंद होता है। तो विनय की बात चल रही, कायक विनय, काय से यानी शरीर से भी विनय करना, शरीर से भी विनय करना, और ये कायक विनय हमारे जीवन में बहुत सम्मान देती है, बहुत सम्मान देती है। और अगर ये हम करते चले गए, देव सास गुरु का सम्मान तो हम करते ही हैं, और उनके सामने उनसे ऊपर ना बैठे, ऊपर ना खड़े हो, विनय से एक तरफ खड़े हो जाएं, हुड़दंग ना मचाएं। कैसे दौड़ते हैं हम आहार में, कितना अच्छा विनय दिखाते हैं, आहा ऐसे घुसते हैं, ना पैर धोना ना कुछ देना, बस मैं दे दूं, मैं दे दूं। तू क्या लाई थी देने के लिए ये तो बता दे, जितनी ये लाइन लगा करके खड़े होते हैं ये क्या लाते हैं, क्या देते हैं, ये इस थाली का, इस थाली में उठा करके दे दिया, तुम्हारा क्या गया, तुम्हें क्या मिला, क्या मिला तुम्हें। तो ये सारी की सारी चीजें हमें समझना है, और बहुत ध्यान रखें गुरु के, अपने से बड़ों के, महिलाओं को, बालिकाओं को, बेटियों को सीधे हाथ की तरफ चलना चाहिए और पुरुषों को उल्टे हाथ की तरफ चलना चाहिए। ये भी एक विनय है, ये नियम है, शास्त्रों में भी इसके संबंध में चर्चा आती है कि महिलाएं, इसलिए आपको यहां बिठाया जाता है, पुरुष को यहां बिठाया जाता है, मगर कुछ विवेकहीन यहां भी बैठ जाती हैं। अब विवेकहीन ही कहेंगे उनको, नैतिकताओं को नहीं जानने वाली आप विवेकी जन, अगर व्यवस्थित तरीके से बैठे तो कितना अच्छा लगता है, ये सभ्यता का प्रतीक और सभ्यता झलकती है, और अगर इसके विपरीत हम बैठते उठते हैं तो लोग हमें असभ्य कहते हैं, ना समझ कहते हैं, आप विवेकी कहते हैं
और विनयहीन व्यक्ति हम माने जाते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने गुरु के सामने या अपने से बड़ों के सामने ऊपर ना बैठें, आसन टांग के ऊपर टांग रख कर के ना बैठें, नीचे भी बैठे हैं और बड़े भी बैठे हैं तो जंघा के ऊपर दूसरा पंजा ना रखें, ये अहंकार की आसन कहलाती है, अहंकार की आसन कहलाती है, इसे छोड़ देना चाहिए। गुरु के आसन पे कभी ना बैठें। जिस तखत पर मुनिराज 5 मिनट के लिए भी अगर बैठ गए हैं, उस तखत पर तुम मरते दम भी नहीं बैठना, क्योंकि गुरु उस पर बैठ चुका है, गुरु का आसन है वो, उस पर कभी नहीं बैठना, उस तखत पर पाटे पर कभी नहीं बैठना, अपमान है। हम क्यों नहीं बैठते इसके ऊपर? अभी जब हमने पारितोषक वितरण किए तो उस दिन मैंने मुनि सिंह जी कहा कि महाराज जी आज मुझे इसी के ऊपर बैठना पड़ेगा। तो बोले अभी कहां बैठते थे प्रवचन करने? मैंने कहा यहां पर जहां जिज्ञासा पूछता हूं। बोले इस पे नहीं बैठते? मैंने कहा नहीं। तो बोले बैठो बैठो कोई दिक्कत नहीं, उनका तो कहना है, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, मगर छोटे का कर्तव्य आसन उनका है, इस पर मैं क्यों नहीं बैठता, भी सेंटर में बैठना चाहिए मुझे भी, मगर क्यों नहीं बैठता। हाँ अगर इस पे 2 पाटे होते तो वो एक ऊपर का पाटा हटा देता, फिर उस पे मैं बैठ सकता था, मगर ये एक ही पाटा है इसलिए मैं उस पे नहीं बैठता। अन्य जगह 2 पाटे लगाए जाते थे तो पहला ऊपर का पाटा हटा देता था, फिर उस पे बैठ जाता था। विचार करें हम कितनी गलतियां अपने जीवन में कर लेते हैं और उन्हें बड़े आए और वो आए बैठे। आइए घर के व्यक्ति को भी सम्मान सहित पैर छू करके उन्हें आसन दीजिए, बैठिए, निवेदन करिए। उनके हाथ में अगर कोई वस्तु है, वो थैला है मान लीजिए, बैग है, XYZ कोई भी चीज है, उनसे लेकर के आप रखें। वो बेचारे खुद ही बैग उठा के रख दिया, उनने उठा के पानी के कुल्ले कर लिए, हाथ धो लिए और कुछ नहीं, और सब देख रहे हैं, सब मोबाइल चला रहे हैं, अपने बच्चे बैठे हैं, श्रीमती जी बैठी हैं, सब बैठी हैं, तो घर में आने वाले बड़े का अपमान है, अभिनय है उसका। ये व्यवहारिकताएं अगर हमारे घरों में आ जाए, ये विनयशीलता आ जाए, तो हमारा घर स्वर्ग हो सकता है। एक महिला मेरे से कहती है, उनके पति भी साथ में थे, तो वो महिला ही नहीं बोल पाई। श्रीमान जी कहते महाराज जी जब मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं स्वर्ग में वास कर रहा हूं। हैं? मैंने कहा तू कहां से आया भाई, चतुर्थ काल का है क्या? तो बोले नहीं महाराज जी मुझे ऐसा एहसास होता है। 5-6 फैमिलियां और आ गई तो मैंने कहा तुम अभी क्या कह रहे थे? मैंने फिर से उसके मुंह से कहलवाया, अब इनके 5-6 फैमिलियों पर क्या प्रेशर पड़ता है देखें। तो हमने कहा भाई साहब आप कुछ कह रहे थे ना अभी? हाँ, बोले महाराज जी मैं ये बता रहा था कि जब मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ रहता हूं तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं स्वर्ग में वास कर रहा हूं। हमने उन 5-6 फैमिली की तरफ देखा तो एक ने कहा महाराज जब जिस साथ में रहती तो मुझे लगता मैं नरक में वास कर रहा हूं। क्यों? बोले इतना चपड़ चपड़ करती है, इतना बोलती है जिसका कोई हिसाब नहीं, 100 बार मना करना पड़ता है। तो हमने कहा भाई तुम स्वर्ग में क्यों एहसास करते हो, क्या स्वर्ग से मर के आई है? बोले नहीं महाराज जी, इतनी विवेकशील है, इतनी सज्जन है, ये मेरे इशारे को समझती है और मैं इसके इशारे को समझता हूं। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर।